तो हेलो दोस्तों, मैं मोहित विष्णु, याद आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आपको देख के पता लग गया होगा कि भाई मैं इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। आज अपने स्कॉर्पियन के लिए एकदम मेटल का पूरा कार्टर वाला अपने बम्पर बना रहे हैं। एंड ये भाई एक सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी चीज थी, इसलिए मैं इसको बनवा रहा हूँ। एंड इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। एंड आगे से देखना अब आपकी बाइक क्या पूरी प्रोसेस रहती है इसकी। सबसे पहले भाई अपने क्या करना पड़ता है, नीचे अपने को दो एंगल लेके अपने नीचे से वेल्डिंग करनी पड़ती है, ऐसा कुछ रहता है। बाकी मैं फ्रंट कैमरा से आपको दिखाता हूँ, आप देख लो। ऐसे करके इन्होंने भाई दोनों एंगलों को ऐसे वेल्ड किया नीचे से। एंड ये देख लो भाई आप, लेकिन मेरे को दिल लग नहीं रहा था कि भाई ये इतना मजबूत होगा, लेकिन भाई इन्होंने वेल्ड करके यहाँ से इसको एडजस्ट किया जैसे तैसे। एंड काफ़ी अच्छी इन्होंने मजबूत वेल्डिंग किया। पीछे से लटकने के बाद ही कुछ ऐसे अपने को लुकिंग के अंदर लग जाए। फिर बाद में क्या करते हैं, इसके आगे वेल्डिंग करने के लिए अपने को एंगल से इस चीज़ को वेल्ड करेंगे। तो पहले इनके क्या करें, छेद करेंगे ताकि भाई अपने जो भी नट वगैरह है वो लगा सकें, इसको अपने खोल भी सके, बंद भी कर सकते हैं। भाई बम्पर अपने को जब उतारना हो तो भाई इससे अपन उतार भी सकते हैं, कि भाई उतरता है नहीं, फालतू माथा फूट जाती है। तो अपने इससे जब मर्जी हो तब आपको उतार लो, लगाना हो उस टाइम आप लगा लो। तो सबसे पहले ये चेंज कर लेते हैं भाई छेद, एंड फिर इसको बेल्ट करेंगे यहाँ पे। नीचे भाई जो भी अपने एक्स्ट्रा पोर्शन रह रहा है उसको उनको भाई कट कर देंगे। एंड अब जो भाई अपना जो बम्पर था उसकी सीधा पूरी रोड थी, अपने गाटर थी पूरी, उसको अपने भाई पहले से थोड़े से मार मार के इतना जोर से कर करके भाई ये लोग उसको पूरा एक शेप के अंदर लाएंगे भाई, पूरा बीच में से राउंड एंड साइड में भाई पूरी जैसे बम्पर की अपने गोलाई है उस हिसाब से भाई इसके अंदर पूरी गोलाई को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि भाई अपने पूरा एकदम ढंग से पूरा ऐसे गोलाई जाके बन जाए एंड एक पूरा फिट एंड फिनिश के अंदर काम हो जाए। सीधा कर लेंगे भाई, लेकिन अपने बीच में गैप ज़्यादा रह जाएगा बम्पर में, तो गैप एक मेंटेन करने के लिए ये लोग भाई ऐसे इसको पूरा गोलाई किया है एंड काटा है यहाँ से, एंड काट के दूसरी प्लेट को यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं ऐसे कुछ कट करके। तो भाई प्लेट वेल्ड करने से पहले भाई उसको पूरा एकदम मेजर कर लेते हैं भाई, लगा कि भाई कैसे कुछ वेल्ड हो रहे हैं। तो भाई प्लेट वगैरह देख रहे हैं भाई वहाँ पे कैसे उसको अपने को वेल्डिंग करके लगाना है। तो भाई ये पहले आप देख लो उसको पूरा ये मैनेज कर दिया। एंड अब भाई जो भी अपने थोड़ा बहुत कट वगैरह पूरे एकदम से बुलाई है पूरा एकदम मेहनत कर दिया भाई, एकदम बिल्कुल पता नहीं लग रहा है उस हिसाब से भाई पूरा मेहनत करके इसको भाई पूरा कर रहे हैं। एंड ये लास्ट में अपने जो भी बेल्टिंग है उसको पूरे एकदम फुली फिक्स पूरा एकदम परमानेंट बेल्टिंग हो जाएगी। एंड भाई कोई चीज़ में अपने गैप वगैरह देखने को नहीं मिलेगा इस वजह से, और लास्ट के अंदर इसके ऊपर भाई पूरी कसाई वगैरह करके इसको एकदम पूरा प्रॉपर फिनिश के अंदर अपने वो लगा के दे देंगे भाई। एंड जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको भी भाई यहाँ से कट करके अपने टाइल कर देंगे, एकदम पूरा अच्छा लुक आएगा अपने गाड़ी का। वेल्डिंग का काम हो चुका है कम्प्लीट एंड गाड़ी को अच्छी लग रही थी गाटर अपने। एंड अब भाई इसको पूरा एकदम फिट एंड फिनिश के लिए भाई इसके ऊपर पूरी भाई अपने कसाई कर रहे हैं, कसाई करने वाले पूरा फिट एंड फिनिश का काम हो जाएगा अंदर और बाहर भाई दोनों तरफ उन्होंने वेल्डिंग किया, ताकि एकदम मजबूत अपने दोनों पोर्शन से रह जाए, क्योंकि यहाँ वाला पोर्शन उन्होंने कट कर दिया था। कट करने वाले गादर की गादर के काट देते हैं शेप देकर एंड यहाँ पे इनको वेल्ड किया था। एंड अब बम्पर को अपने रख के एंड इसके अपने पूरा एकदम जो भी ब्रेक था जो पोर्शन था पहले उसको कट कर दिया एंड यहाँ पे उसको पूरा एकदम शेप दे रहे हैं और पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नट वगैरह इनको भी अपने लगा के चेक कर लिया, तो एकदम सब कुछ पूरा फिट एंड फिनिश के अंदर काम है। और एक्स्ट्रा इसको प्रोटेक्शन देने के लिए भाई इधर एक एक्स्ट्रा दो प्लेट्स लगाई गई है, ताकि इनसे भाई को एक्स्ट्रा मजबूती मिल जाए इस बम्पर को, ताकि वो जब खड़ा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड वापस कोई फिट एंड फिनिश अगर कुछ बाकी रह गई तो थोड़ा बहुत अपने जो प्लेट वगैरह लगाई है उसको करना, ताकि भाई इसको अपन देखा सही करके पूरे एकदम टक्स इसको क्लीन करके अपने को देखें यहाँ से, ताकि अपने भाई पेंट वगैरह का देखिए क्या नहीं एकदम बंदा बिल्कुल भी कोई भी अपने सिंगल भाई अपने कोई टोट वगैरह डब्बा वगैरह कुछ ना रहे इसके ऊपर। तो भाई वो वेल्डिंग का जितना भी काम था अपने कंप्लीट हो गया, गाटर अपने बन चुका है। एंड लास्ट पार्ट बचा अपना यहाँ पे पेंट का। तो पहले भाई इन्होंने पूरा एकदम इसके ऊपर प्राइमर लगाया है, प्राइमर लगाने के बाद इसको एकदम फिट एंड फिनिश देख लो भाई, एकदम पूरा एकदम शाइनिंग के अंदर हो गया है एंड आधे एकदम स्मूथली चल रहा है इसके ऊपर। दोनों पोर्शन अपने साइड से प्लेट कराने के बीच में अपने सिल्वर कलर की प्लेट लगी हुई है, तो अपने इसको सिल्वर कलर का पेंट कराएंगे उस हिसाब से भाई इसको मैच करके अपने दोनों साइड से ब्लैक पोर्शन से अपने सिल्वर पेंट करेंगे। तो पहले अपने टेप से पूरी मार देंगे एंड देखिए भाई इस हिसाब से साइड में अपने न्यूज़ पेपर का यूज़ करते हुए लोग भाई इसको पेंट कर रहे हैं। तो भाई पेंट करते हैं उसके बाद में आपको मैं तब तक आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखते रहो एंड लास्ट में मैं फाइनल शॉट आपको उस समय दिखाऊंगा।
तो भाई अपने बंपर में जो पूरा पेन हुआ था पूरा सूख चुका है। फाइनल इसके ऊपर अपने साइनिंग वाला कोट दे रहे हैं लास्ट वाला, इसके अंदर खाली अपने पॉलिश टाइप एंड पॉलिश वाले कोट के बाद देख लो भाई कितनी अपने साइन आ चुकी है गाड़ी के अंदर रेडिंग का पूरा फिट है भाई, रेडिंग एकदम हो चुका है पूरा सूख चुका है अपने और अपने कसना स्टार्ट हो चुके हैं भैया इसको। एंड यही था अपना वीडियो का, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना, स्कॉर्पियन से रिलेटेड ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू भाई।